सो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको टेक ट्यूटोरियल वीडियोस और टेक न्यूज देखने को मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले चलेंगे हम अपने क्रोम ब्राउजर पर। तो क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद आपको एक वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से जाके भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह, जैसा कि मैं वीडियो में इस वेबसाइट पर विजिट कर रहा हूं, उस तरह से भी आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है getsubly.com। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको डायरेक्टली लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का आपका डैशबोर्ड का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड का। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, यानी अपनी वीडियो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसके सबटाइटल्स आप चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया, तो फिर यहाँ पर मैं जैसे यहाँ से अपलोड करता हूँ। अपलोड करने से पहले आपको वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिससे कि टाइटल सबटाइटल निकालने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ से मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो यहाँ पर मैं अपलोड एंड सबटाइटल पर क्लिक करूँगा। इसके बाद इसे अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, और ये आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से वीडियो को करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद जैसे कि आपकी वीडियो जो वो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपके सबटाइटल्स जो वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो सबटाइटल जनरेट होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसके सबटाइटल्स भी आ चुके हैं। उसके बाद आपको वीडियो पर क्लिक करना है, आपके सामने वीडियो के सभी सबटाइटल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इन सबटाइटल्स को डाउनलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिल जाता है। वैसे अभी कुछ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप इन सबटाइटल्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये AI है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर हो सकती है, या फिर ना भी हो, लेकिन दिक्कत होने के कुछ चांसेस हैं। तो कोई गलती ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इसे एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, SRT फाइल आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो YouTube पर अपलोड कर लेनी है, तो आप ज़रूर से ज़रूर SRT फाइल डाउनलोड कीजिए, क्योंकि YouTube वही फाइल को एक्सेप्ट करता है। यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह या फॉन्ट साइज या फिर काफ़ी चीज़ें जो मैं एडिट भी कर सकते हैं, जिससे मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। तो इस तरह से जैसा कि मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो न्यू टैब में मैंने ओपन किया यूट्यूब। यूट्यूब पर आने के बाद मैं एक वीडियो पर जाऊँगा जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, मैं उसमें सबटाइटल आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमारी एक वीडियो है, तो मैं इस वीडियो में सबटाइटल्स जो वो अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं एडिट वीडियो पर क्लिक करूँगा। एडिट वीडियो पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ बार्स मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ आपको सबटाइटल्स का ऑप्शन मिल जाएगा सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, और जैसा कि मेरी वीडियो की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस पर टिक करना चाहें, टिक का मतलब ये कि आपकी चैनल की जो लैंग्वेज पूछ रहा है, तो मेरा चैनल हिंदी में, तो मैं यहाँ पर टिक करके कंफर्म पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलता है, आपको डायरेक्टली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आप अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपको अपनी फाइल जो है वो चूज़ करनी है। तो यहाँ मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा, और अपनी SRT फाइल जो मैंने getsubly से डाउनलोड की थी, उसे यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ से मैं इस फाइल को करता हूँ अपलोड। तो जैसे ये फाइल अपलोड हो जाएगी, आपको यहाँ पर साइड में जो आपके सबटाइटल्स है वो देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक और बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप अपने सबटाइटल्स को एक बार ध्यान से ज़रूर चेक कर लें, कि कहीं उसमें कोई मिस्टेक ना हो। जैसे ही आप अपने सबटाइटल अपलोड कर दे, तो उसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो है उसमें सबटाइटल जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली एक अपनी वीडियो को स्टार्ट करके देखना है। तो मैं चलता हूँ YouTube पर, वहीं से मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करके दिखाऊँगा। तो
हम आ गए अपने चैनल के डैशबोर्ड पर। यहाँ से मैं जाता हूँ अपनी वीडियो में, तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को प्ले करूँगा। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो को प्ले कर लिया, यहाँ से मेरे को अब अपने सबटाइटल्स जो है वो ऑन करने हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कैप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है, आपको डायरेक्टली वहाँ से अपने सबटाइटल्स जो है वो ऑन करके देख लेने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हिंदी सबटाइटल्स अपने आप मेरी वीडियो में आ चुके हैं। तो अगर आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपका वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के और भी ट्यूटोरियल वीडियोस देखने को मिलते रहें।